हाय गाइस, दिस इज आदित्य। आप सभी का स्वागत है आज के लेसन में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग 50 मोस्ट कॉमन इरेगुलर वर्ब्स। अब सवाल उठता है कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होती क्या है। तो देखिए, किसी भी वर्ब को आप कह सकते हैं कि या तो रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। रेगुलर कौन सी होती है? जिन वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडीईडी फॉर्म होती है, जैसे प्ले की प्लेड प्लेड, डिसाइड की डिसाइडेड डिसाइडेड। तो ऐसी कोई भी वर्ब जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडीईडी होती है ना, वो होती है रेगुलर वर्ब्स, और जिनकी ईडी नहीं होती है वो होती है इरेगुलर वर्ब्स। तो आज मैं आपके सामने रखूंगा 50 मोस्ट कॉमन इरेगुलर वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स भी। तो आइए शुरुआत करते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखना आपको और सीखना है। पहली इरेगुलर वर्ब आपके सामने है weave, weave। वीव का मतलब होता है बुनना, जैसे स्वेटर बुना जाता है, वो जो बुनना है उसे हम कहते हैं वीव। फर्स्ट फॉर्म तो वही होती है जो वर्ड अपने आप में होता है, weave, वीव। सेकेंड फॉर्म होती है वोव या फिर वीव्ड, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड फॉर्म होती है वुवन या फिर वीव्ड। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब हम कहते हैं वीव, वोव, वुवन, ये है इरेगुलर फॉर्म, लेकिन अगर ईडी ईडी लगा दें तो ये तो फिर रेगुलर हो जाती हैं। तो इस वर्ब में आप देख सकते हैं कि दोनों तरह की फॉर्म्स हैं, रेगुलर भी है जिसमें ईडी ईडी लग रहा है वीव्ड वीव्ड, और इरेगुलर भी है जिसमें ईडी नहीं लग रहा है वो या फिर वुवन। अब जैसे कि एक वर्ड है seek, सीक। सीक का मतलब होता है ढूंढना या खोजना, लेकिन इसकी जो फॉर्म्स होती हैं सीक सॉट सॉट, यहां पर ईडी नहीं लग रहा है, तो ये क्या है अपने आप में पूरी तरह से एक इरेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट swim, स्विम। स्विम मतलब तैरना, स्विम स्वैम स्वम। freeze, फ्रीज। फ्रीज मतलब जमना, जैसे बर्फ जम जाती है। तीन फॉर्म्स हैं फ्रीज फ्रोज फ्रोजन। lend, लैंड। लैंड मतलब होता है देना, जैसे कोई किसी व्यक्ति को कुछ पैसे दे देता है, उधार दे देता है, या फिर मैं आपको अपना मोबाइल 5 दिन के लिए, मान लीजिए 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए दे दूं, तो वो देना जो है ना लैंड करना है। तो इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं लैंड लेंट लेंट। आप देख सकते हैं कि इस वर्ब में भी ईडी ईडी तो नहीं लग रहा है ना इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स में, तो इसीलिए तो ये रेगुलर नहीं है, बल्कि कैसी वर्ब है? इरेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट rise, राइज। राइज का मतलब है उगना, राइज रोज रिजन, राइज रोज रिजन। wear, वियर। वियर का मतलब पहनना, wear, wore, worn, wear, wore, worn. fly, fly, fly मतलब उड़ना, इसकी तीन फॉर्म्स fly, flew, flown. swear, swear, swear का मतलब होता है कसम खाना, इसकी तीन फॉर्म्स swear, swore, sworn. थोड़ा इसे प्रोनाउंस करने में कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन को भी आपके सामने लिखा है स्वेर सोर सोन। नेक्स्ट begin, बिगिन। बिगिन मतलब शुरू करना, बिगिन began, बिगन। dig, डिग। डिग मतलब खोदना, इसकी तीन फॉर्म्स हैं डिग डग डग। read, रीड मतलब पढ़ना, इसकी तीन फॉर्म्स हैं रीड रेड रेड। अच्छा, यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ बोलने का तरीका बदल जाता है। फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है रीड और सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बोला जाता है रेड रेड, वैसा रेड जैसे कि रेड कलर। leave, लीव। लीव मतलब छोड़ना, लीव की तीन फॉर्म्स हैं लीव लेफ्ट लेफ्ट। ड्रीम, dream, ड्रीम मतलब सपना, ड्रीम ड्रेम्ट ड्रेम्ट।
डी आर आई एन के ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। इसी तरह से जितनी भी फॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूं ना, इन सबको आपको रट लेना है। ई ए टी ईट, ईट मतलब खाना, ईट एट ईटन। नेक्स्ट एफ आई जी एच टी फाइट, फाइट मतलब लड़ाई करना, फाइट फॉट फॉट। सी एच डबल ओ एस ई चूज, चूज मतलब चुनना, चूज चोज चोजन, चूज चोज चोजन। बी यू वाई बाय मतलब खरीदना, बाय बॉट बॉट। नेक्स्ट वर्ड कैच, सी ए टी सी एच, कैच मतलब पकड़ना। तीन फॉर्म्स हैं कैच कॉट कॉट। टी ई डबल एल टेल, टेल मतलब बताना, टेल टोल्ड टोल्ड। जी आर ओ डब्ल्यू ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, ग्रो ग्रीव ग्रोन। नेक्स्ट वर्ड हियर, एच ई ए आर हियर, हियर मतलब सुनना, हियर हर्ड हर्ड। एच आई डी ई हाइड, हाइड मतलब छिपना या छिपाना, और इसकी तीन फॉर्म्स हैं हाइड हिड हिडन। सी ओ एम ई कम, कम मतलब आना, इसकी तीन फॉर्म्स हैं कम केम कम। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है कम। बी यू आई एल डी बिल्ड, बिल्ड मतलब निर्माण करना, बिल्ड बिल्ट बिल्ट। एफ ए डबल एल फॉल, फॉल मतलब गिरना, इसकी तीन फॉर्म्स हैं फॉल फेल फॉलन। एच ओ एल डी होल्ड मतलब पकड़ना, तीन फॉर्म्स होल्ड हेल्ड हेल्ड। के एन ओ डब्ल्यू नो, नो मतलब जानना, तीन फॉर्म्स नो न्यू नोन। नेक्स्ट वर्ड स्लीप, स्लीप मतलब सोना, एस एल डबल ई पी, तीन फॉर्म्स स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। एल ओ एस ई लूज, लूज मतलब खोना, लूज लॉस्ट लॉस्ट। पी ए वाई पे, पे मतलब चुकाना, थ्री फॉर्म्स पे पेड पेड। नेक्स्ट थिंक, थिंक मतलब सोचना, टी एच आई एन के, थिंक थॉट थॉट। आर यू एन रन मतलब दौड़ना, थ्री फॉर्म्स रन रैन रन। यहां पर भी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है रन। एस ए वाई से, से मतलब कहना, थ्री फॉर्म्स से सेड सेड। एस ई डबल एल सेल मतलब बेचना, थ्री फॉर्म्स सेल सोल्ड सोल्ड। एस एच ए के ई शेक मतलब हिलाना, थ्री फॉर्म्स शेक शुक शेकन, शेक शुक शेकन। W R I T E राइट, राइट मतलब लिखना, राइट रोट रिटन। S H I N E शाइन, शाइन मतलब चमकना, शाइन शोन या शाइंड, शोन या शाइंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी वर्ब है जो रेगुलर फॉर्म भी है जिसकी, और इरेगुलर फॉर्म भी है। रेगुलर फॉर्म क्या है, शाइन शाइंड शाइंड, यानी ईडी ईडी फॉर्म, तो ये रेगुलर वर्ब की तरह यहां पर है। और जब इसकी फॉर्म्स हम कहते हैं शाइन शोन शोन, तो ऐसे में ये एक इरेगुलर वर्ब कंसिडर की जाती है। एस आई एन के सिंक, सिंक मतलब डूबना, थ्री फॉर्म्स सिंक सैंक संक। एस आई टी सिट, सिट मतलब बैठना, थ्री फॉर्म्स सिट सैट सैट, sit sat sat। s t a n d stand, stand मतलब खड़े रहना, stand stood stood।
RIDE, राइड। राइड मतलब सवारी करना यानी कि चलाना। राइड, रोड, रिडन। SPREAD, स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैलाना। इसकी तीनों फॉर्म्स बिल्कुल सेम है, स्प्रेड 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 स्प्रेड। STEAL, स्टील। स्टील मतलब चुराना। थ्री फॉर्म्स, स्टील, स्टोल, स्टोलन। QUIT, क्विट। क्विट मतलब छोड़ना, जैसे कोई व्यक्ति कंपनी से क्विट कर जाता है या फिर किसी बुरी आदत को क्विट कर देता है यानी छोड़ देता है। थ्री फॉर्म्स, क्विट क्विट क्विट। तीनों फॉर्म्स बिल्कुल सेम। नेक्स्ट, SING, सिंग। सिंग मतलब गाना। सिंग, सैंग, संग। TEACH, टीच मतलब सिखाना। टीच, टॉट, टॉट। SPEND, स्पेंड। स्पेंड मतलब बिताना या खर्च करना। जैसे आप कहीं पे समय बिताते हैं उसके लिए भी स्पेंड यूज करते हैं, या आप पैसे खर्च करते हैं उसके लिए भी आप स्पेंड यूज करते हैं। इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। और अब मैं आपके सामने रखता हूं पांच इंटरेस्टिंग वर्ब फॉर्म्स, ठीक है? एक एक करके ध्यान से देखिए। सबसे पहले है LAY, ले, जिसका मतलब होता है रखना। इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, ले, लेड, लेड। जैसे कि आप बिस्तर पर कुछ रख देते हैं, टेबल पर कुछ रख देते हैं, किसी के सामने कोई कंडीशन रख देते हैं यानी कि शर्त रख देते हैं, तो वहां पर ले का यूज किया जाता है। तीन फॉर्म्स मैंने बताई, ले, लेड, लेड। लेकिन इसके साथ कंफ्यूज करने वाला एक और वर्ड क्या है, LIE, लाए। लाए मतलब लेटना। अब इसकी तीन फॉर्म्स क्या होती हैं, लाए, ले, लेन। कई स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म है ले, जो कि अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म भी होती है जिसका मतलब होता है रखना, लेकिन ये लाए की सेकंड फॉर्म भी होती है। तो लाए यानी कि लेटना, इसकी सेकंड फॉर्म है ले और थर्ड फॉर्म है लेन। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, लाए मतलब झूठ बोलना भी होता है जिसकी तीन फॉर्म्स अलग होती हैं, लाए, लाइड, लाइड। ये जो लाए है इसकी दोनों फॉर्म्स ईडीईडी फॉर्म्स हैं, इसलिए ये एक रेगुलर वर्ब है। पिछली दोनों जो मैंने आपको बताई वो क्या है, इरेगुलर वर्ब्स हैं, क्योंकि उनकी वर्ब फॉर्म्स में ईडीईडी तो नहीं आ रहा है। अब इसी तरह से आप देखेंगे हैंग, HANG, कोई चीज लटकना या लटकाना। इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, हैंग, हंग, हंग। जैसे रस्सी पे आप कपड़े लटका देते हैं, या फिर किसी कील पर आप किसी तस्वीर को लटका देते हैं, किसी कपड़े को लटका देते हैं, तो इसके लिए आप हैंग का यूज करते हैं। और तीनों फॉर्म्स क्या है इसकी, हैंग, हंग, हंग। लेकिन ये जो वर्ड है हैंग, इसका एक और मतलब होता है फांसी पर लटकाना। जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है तो वहां पर भी इस वर्ड को यूज किया जाता है, लेकिन इसकी फॉर्म्स अलग होती हैं उस वक्त। और इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। तो यहां पर ये एक रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, ईडी फॉर्म्स हैं। तो जब हैंग का मतलब होता है किसी चीज को लटकाना, तो वो होती है एक इरेगुलर वर्ब, क्योंकि उसकी फॉर्म्स तब ईडी फॉर्म्स नहीं होती है। लेकिन जब हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकाना, ऐसे में ये एक रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसकी दोनों फॉर्म सेकंड और थर्ड ईडी फॉर्म्स होती हैं। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, इन सभी वर्ब्स को, जितनी भी इरेगुलर वर्ब्स मैंने आपको आज बताई हैं, इन सभी को आपको रट लेना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।